ट्रैक्टर खरीदते समय आप कितनी सारी बातों पर ध्यान देते हैं ताकि आपका ट्रैक्टर अपेक्षित कामों पर खरा उतरे और आपके पैसे और समय की बचत हो। क्या इसी तरह यह जरूरी नहीं है कि आप आपके ट्रैक्टर का मेंटेनेंस सही तरीके से करें और हर रोज काम पर निकलने से पहले ट्रैक्टर की सही जांच करें। दोस्तों, ट्रैक्टर और तरुण में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में ट्रैक्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके ट्रैक्टर को कैसे मेंटेन करें ताकि आपके ट्रैक्टर की उम्र बढ़े, साथ साथ आपका फायदा भी बढ़े। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैक्टर की इंजन ऑयल की लेवल कैसे चेक की जाती है। ध्यान रखें, आप ट्रैक्टर को समतल जमीन पर पार्क करें, डिपस्टिक निकाले, इसे साफ करें और फिर से लगाए, निकाल कर चेक करें। यदि इंजन ऑयल की लेवल एड और फुल मार्क के बीच में है, मतलब इंजन में ऑयल की मात्रा सही है। अब जानते हैं इंजन कूलेंट के बारे में। कूलेंट का लेवल इंजन के तापमान पर निर्भर होता है। यदि इंजन ठंडा हो तो कूलेंट का लेवल कोल्ड फुल तक रखें, यदि इंजन गर्म हो तो कूलेंट का लेवल हॉट फुल तक रखें। एक और बात, ट्रैक्टर के ग्रीसिंग पॉइंट्स को ऑपरेटर मैनुअल के अनुसार ग्रीस करें। अब हाइड्रोलिक ऑयल लेवल की जांच करते हैं। यदि ऑयल लेवल निचली ग्लास विंडो से नजर आ रहा है तो ऑयल को टॉप अप करें, यदि ऊपरी ग्लास विंडो से नजर आ रहा है तो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल सही है। अब एयर फिल्टर की जांच करते हैं। एयर फिल्टर ट्रैक्टर को सांस लेने में मदद करता है। साधारण तौर पर डस्ट अनलोडर वॉल की जांच करें और जरूरत के अनुसार उसे साफ करें। डैशबोर्ड पर एयर रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर ऑन होने पर प्राइमरी फिल्टर को निकालकर एयर प्रेशर से उसे भी साफ करें। अब वाटर सेपरेटर की जांच करते हैं। यदि वाटर सेपरेटर की लाल रिंग लाल निशान पर है तो ड्रेन प्लग को खोलकर पानी को ड्रेन करें। अब इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में जानकारी लेते हैं। ट्रैक्टर चलाते समय इंस्ट्रूमेंट पैनल पर दिए गए अलग अलग मीटर और इंडिकेटर पर ध्यान दें, जैसे कि फ्यूल लेवल मीटर, इंजन आरपीएम मीटर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर मीटर, बैटरी इंडिकेटर, इंजन आवर मीटर, एयर रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर और लो इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। डीजल की खपत या टायर की घिसावट कम करने के लिए ट्रैक्टर के कार्य के अनुसार ट्रैक्टर पर दिए गए टायर प्रेशर चार्ट को रेफर करें। दोस्तों, मुझे भरोसा है बताए गए टिप से आप आपके ट्रैक्टर का मेंटेनेंस आसानी से कर पाओगे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रैक्टर और तरुण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।